अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो व्लॉग है वो है टिक्का बोटी। ठीक है, तो आज हमने सोचा कि यार आज टिक्का बनाएं। ठीक है, कज़न आया हुआ था तो उसके साथ मिलके, तो इंशाल्लाह जी ना आज आपको टिक्के की जो है ना सारी वीडियो दिखाएंगे, और साथ में थोड़ी सी रेसिपी जो है ना हमने मतलब अपने हिसाब से बनाई है। मतलब ये किसी से देखा नहीं है ना, वो मिसाले डालें, आज घर के मिसाले जो है ना सारे ऐड किए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना करें, और दूसरी बात ये कि शेयर भी करें, ताकि ये कि इंशाल्लाह जो ना जितना भी आप शेयर करेंगे तो सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे और साथ में लाइक्स भी बढ़ेंगे, व्यूज़ भी बढ़ेंगे, तो ये तो आपके लिए मुश्किल नहीं है। तो ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, और इंशाल्लाह फिर आपको वीडियो जो है ना आपको दिखाते हैं। ये देखें चिकन टिक्का, ये पीस थोड़े बड़े हैं, ठीक है, छोटे चाहिए थे लेकिन बड़े कर दिए। ठीक है, और मैं आपको कुछ थोड़ा बहुत बता भी देता हूँ कि क्योंकि हमने स्टार्ट कुछ न मतलब मिसाले डाल दिए। अब इसमें जो है ना मैंने अपने मिसाले खुद ऐड किए हैं। वो ऐसा है कि पहले मैंने गोश्त को जो ना वो पीसेस में काट के उसमें कट लगाए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद ये कि मैंने लिए लहसुन अदरक जो ना उसका पेस्ट। ठीक है, लहसुन अदरक हसबे मतलब जो ज़रूरत होती है वो आप डाल सकते हैं, तो वो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला इसमें। उसके बाद मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है, मतलब गरम मसाला पीसा हुआ, गरम मसाला पीसा हुआ ऐड किया है, और काली मिर्च ऐड की है, लाल मिर्च ऐड की है, उसके बाद नमक ऐड किया है। ठीक है, और सफ़ेद ज़ीरा। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने ऐड करके और मैंने इसमें मतलब डाल दी है, उसको फिर मैरिनेट करने के लिए रखा हुआ तकरीबन विद इन मतलब टाइम तो है नहीं क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, तो तकरीबन मैं मतलब 2 घंटे कम से कम जो है ना इसको रखूँगा। ठीक है, उसके बाद जो है ना मैं आपको फिर जब इसको क्या कहते हैं सीख में प्रोऊँगा तो उसमें आपको फिर दिखाऊँगा। ठीक है, तो अभी मैंने इसमें ऐड कर दी है हरी मिर्च। ठीक है, हरी मिर्च, मैं नमाज़ पढ़ी थी, नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना मैं तकरीबन घंटा हो चुका है इसको मैरिनेट, पर मुझे याद आया कि भाई इसमें हरी मिर्च भी जो है ना ऐड कर दें, तो फिर अब हरी मिर्च ऐड की है इसको थोड़ा मैरिनेट और करके, तो आधा घंटा फिर रख लेते हैं। तो खैर वैसे तो ज़्यादा रखना चाहिए, लेकिन अभी चले कर दिए तो कोई इशू नहीं है। तो ये है कि आप देखते हैं कि हमारा कैसा रहता है आज का एक्सपीरियंस, क्योंकि हमने ये सारे मिसाले जो ना अपने खुद ही ऐड किए। मतलब ये नहीं कि जो बाहर का मिसाले होते हैं वो जो मतलब टिक्के मिसाले या कोई ब्रोस मिसाले, वो कुछ भी नहीं ऐड किया, जो भी मिसाले घर पे थे उनको हमने खुद ही जो है ना इसमें डाल दिए भाई अपनी मर्ज़ी से। चलो देखते हैं एक नई चीज़ मतलब बन जाए, बाद ही पता चलेगा तो कि कैसा है कैसे बनी है। तो जब वो अब जब क्या कहते हैं बनेगी तो उसके बाद हम खा के भी आपको दिखाएंगे कि भाई अच्छी है या बुरी है क्या है, तो वो फिर आपने खैर ये है कि जब अच्छे बनेंगे तो हम आपको कहेंगे कि भाई यही जो है ना मिसाला आप ऐड करें, क्योंकि बाहर के मिसाले का भी इतना मुझे तो खैर मैं यही कहता हूँ कि घर का मिसाला ज़्यादा हो तो वो ठीक होता है, ताकि ये कि मिसाले आपको पता बाहर के ज़्यादा ख़राब भी करते हैं आपके स्टोमक को, तो इसी से जो ना मसले क्रिएट होते हैं। तो आज जो है वो फिर अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स भी कर दूँ, हाथ से नहीं करूँगा लेकिन करना हाथ से पड़ेगा, बिकॉज़ ये कि हाथ से करूँ तो ये हाथ पे मिर्चें बहुत तेज़ होती हैं ये लगती हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या करें कि हाथ से करना पड़ेगा। ठीक है, हाथ धो लिए थे खैर मैंने। ठीक है, ठीक है, ये देखें ये मैंने सारा इसमें तकरीबन लग चुका है। ठीक है, नीचे तक, तो बिस्मिल्लाह, ये है कि इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अच्छा ही बनेगा। कलेजी भी थी वो भी मैंने नीचे ऐड की है, कि चलो पहले ये ना कि कलेजी को बंदा जो ना सीखों में प्रो के वो चेक कर लेता है कि भाई नमक या मिर्च वगैरह को तेज़ करने, क्योंकि इतना तो हमें आइडिया नहीं है, लेकिन ये कि चलें अब ये चीज़ एक नया हमने मसाला ऐड किया है अपना ही खुद ही, तो फिर देखेंगे ये जब बनता है उसके बाद हम आपको फिर बताएंगे कि कैसी बनी है हमारे टिक्के। ठीक है,
फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे जब कोयले गर्म होंगे, फिर उस पे सीखों पे लगा के रखेंगे, तो फिर उसके बाद तो फाइनली अभी ये हमने सीखों पे टिक्के लगा दिए, ठीक है, और कोयले पे इनको रख दिया है। सभी बताएं जी कैसे हैं यार? बहुत ज़बरदस्त। तबीयत कैसी है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें सोहेल भाई की अंतक मेहनत, इन्हीं कामों में लगे रहते हैं। क्या करें यार भाई, करना पड़ता है। खाने पीने की चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव है इनको, इनके व्यूअर को ये तो पता होना चाहिए। अभी मैंने आपको जैसे बताया था ना कि भाई मिसालें अपने खुद हैं, ठीक है, अपने खुद लगाए हैं घर के मिसालें सारे, कोई बायर का ऐड नहीं किया। तो अब ये जब बनेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि भाई कैसा बना है, ठीक है, फिर हम आपको भी बताएंगे कि अच्छा बना है या बुरा बना है, ठीक है। ये तो फिर अब बात की बात है ना। बहरहाल आपने पहले भी ट्राई किया होगा दो तीन दफ़ा। हाँ ये तो ईद वगैरह मौके पे देखो, सारे जितने भी है ना वो मतलब जो मिसाले होते हैं वो ज़्यादा बाहर की यूज़ करते हैं, जो मतलब अब शान का या नेशनल वगैरह का ना। ये फर्स्ट टाइम, तो ये है कि आज हमने फर्स्ट टाइम ही ये काम किया है कि चले यार कुछ अपना मतलब ऐड कर दें, क्योंकि वो थोड़े ज़्यादा होते हैं वो। नहीं अपने हाथों की फिर क्या बात होती है, घर की चीज़ें हैं वैसे भी, तो हमने इसको ज़रा ये हो जाना भाई। सही है, मैं इसको पकड़ के रखता हूँ, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा हिला दे, और ये भी तो फिर इंशाल्लाह जब ये बनती है उसके बाद फिर हम आपको इस क्या कहते हैं खा के दिखाएं बताएंगे कि भाई कैसा बना है, ठीक है। तो अब एक जो है हमने सीख से निकाली है, ज़रा चेक भी करते हैं फिर आपको बताते हैं। ये थोड़ी गर्म है, थोड़ी ना बहुत गर्म है, हाँ। सोहेल भाई कैसे है? यकीन करें बहुत मज़े का है सच में। बस मैं कहता हूँ कि आउट क्लास, ये आप भी बनाएं। वीडियो पे मैंने आपको बताया भी हो, वीडियो आप पूरी देखना इंशाल्लाह आपको ना उसमें मिल जाएगा, और कमेंट्स में भी बता दीजिएगा कि जब आप बना लें या कुछ पूछना हो तो आप बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको फिर भी जो है ना गाइड कर दूँगा इंशाल्लाह। लेकिन ओवरऑल बहुत मज़े की बनी है, बहुत मज़े की, बराबर मिसालें, नमक बराबर, बेहतरीन। तो अब हम फिर इजाज़त भी चाहेंगे आपसे, ठीक है। तो कैसा लगा दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी वीडियो लगी होगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और कमेंट्स में भी बताइएगा अगर ये आप लोग ट्राई करते हैं तो। मैं कहता हूँ यकीन करें आपको अच्छा लगेगा, और आप मुझे कमेंट्स में बताएँगे भी कैसा लगा आपको ना जा के। तो ये था आज का व्लॉग, इसको करते हैं यहीं पर ही बंद, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। दुआ में याद रखिए, आप हमें रखें हम आपको रखेंगे, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।